तेजस्वी यादव महागठबंधन से अलग हटकर भाजपा के साथ की संभावना तलाश कर रहे हैं। नीतीश ने भी महागठबंधन में सेंधमारी लगातार जारी रखी हुई है। सबसे जो प्रबल विरोधी तेजस्वी यादव के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा के रूप में खड़ा है वो है नीतीश कुमार, और इस वजह से झटका लग सकता है तेजस्वी यादव को। यदि एक समीकरण जो अब तक किसी ने चर्चा नहीं की थी, उनकी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ चुका है कि ये राजद का फैसला हो सकता है लेकिन महागठबंधन का फैसला नहीं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसे तेजस्वी यादव समझना होगा। तेजस्वी इसे लेकर नहीं चलते साथ में तो कहीं ना कहीं घाटा तो होगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी इस देश के राजनीतिक बैटल ग्राउंड को बिहार में रखा गया है। आपको पता है कालांतर में बिहार ज्ञान की राजधानी थी विश्व की, और यही ज्ञान कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना जगाता है, और जब राजनीतिक चेतना जागती है तो आपको पता है कि कैसे गणराज्य का निर्माण होता है। बिहार ऐसा गणराज्य है जो पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बिहार की राजनीतियों को, राजनीतिज्ञों को और बिहार के राजनीतिक कूटनीतियों को इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, मानते ही नहीं हैं, स्थान देते हैं। अगर आप पूरे देश के किसी भी राजनीतिक चैनल को या न्यूज चैनल को अगर आप खोलते हैं तो बिहार की खबरों की प्राथमिकता और प्रचुरता लगातार होती है। ये साबित करता है कि बिहार में राजनीति की खपत ज़्यादा है, इतना ही नहीं उपज ज़्यादा है। ये बात बार बार लोग कहते हैं कि बिहार में राजनीति की खपत ज़्यादा है, मगर हम कहते हैं उपज ज़्यादा है। और आज इसी राजनीतिक उपज की एक कहा जा सकता है, हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सीएम इन वेटिंग बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे हैं तेजस्वी यादव, मगर आपने हेडलाइन पढ़ लिया है। हम कह रहे हैं इन कारणों से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सकते हैं। वो पांच कारण कौन से हैं आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपका स्वागत करेंगे भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात में। बाबा पाँच कारण हमारे पास हैं। वैसे तो लगभग लोगों ने मान लिया है, 2019 के चुनाव में भी हम घूम रहे थे, हमने देखा था कि लोगों को नरेंद्र मोदी भी चाहिए और तेजस्वी यादव भी चाहिए, मगर 2020 के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बदलेंगी। क्या तेजस्वी यादव अभी भी लोगों को चाहिए या तेजस्वी यादव का भ्रम टूट गया है? नमन जी, सबसे पहली बात तो ये हम कहना चाहेंगे कि ये चर्चा आखिर हम लोग क्यों करने बैठे हैं जी, जबकि आप भी कह रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है और अलग अलग पार्टियां भी इस बात कर रही हैं। वो महागठबंधन भी लगातार ये बात कह रहा था कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात इसकी है कि महागठबंधन एक बार एक बैठ से पूरे रॉ में आ गया और पूरा पैक्ट हो गया है, और उससे भी दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता के नामांकन के समय में ये बातें कह दी थी कि मैं सीएम उम्मीदवार हूं और इसलिए मुझे उस हैसियत से काम करना है, चूंकि मुझे पार्टी ने और महागठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था, उसकी भूमिका में लगातार रहा हूं और अब मैं सीएम के पद के लिए और उम्मीदवारी के लिए काम करूंगा। और यही कहा भी जाता है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है साझा गठबंधन का, वही सीएम का उम्मीदवार बनता है, मगर परिस्थितियां ऐसी रहीं महागठबंधन की कि पिछले चुनाव में 2019 में साथ में जरूर गए थे मगर निकले थे तो अलग अलग निकले थे, और यही कहीं ना कहीं हमने देखा उपचुनाव में भी जी, कि गए अलग अलग मगर निकले साथ में, तो मतलब वाइस वर्सा उल्टा हो गया, मगर इसका फायदा हुआ कहीं ना कहीं महागठबंधन आज पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसके लिए जो काम किया है उसकी महत्ता को कभी से इनकार नहीं किया जा सकता है, खास तौर पर तब जब मुद्दा विहीन इस महागठबंधन को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। खैर हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा होगी उन पांच चीज़ों की, पांच कारणों की जिनकी वजह से तेजस्वी यादव के रास्ते में कहीं ना कहीं कठिनाइयां हैं, और जो चीज़ें तेजस्वी यादव को रोक सकती हैं उस सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में, जहां नीतीश बहुत असहज हो गए हैं अब पिछले 15 सालों में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो पाँच कारण जिसकी वजह से तेजस्वी यादव इस बार चूक सकते हैं अपनी रणनीति से और उस सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा शुरू करते हैं, तेजी से बताते हैं, लोगों का समय कम लेंगे इस विश्लेषण में, ये बताइए कि पहला कारण क्या है? नमन जी, सबसे पहला कारण तो उनका महागठबंधन ही है, जिस महागठबंधन को कहा जा रहा था कि बिखरा हुआ है, वो जितना ज़्यादा एकजुट हुआ उतना ही ज़्यादा परेशानियाँ भी बढ़ने लगी और लोगों की मनसा भी बढ़ने लगी, लोगों का मन भी बढ़ने लगा। और सबसे पहले कारण में हमने रखा है कांग्रेस को, कांग्रेस का एकजुट परिवार ऐसे तो अच्छा होता है मगर ज्यादा
जो कहा जा सकता है कि मुंह भी है भरने के लिए, ज्यादा जोगी पेट है, ज्यादा जोगी मटके उजाड़ भी हो सकता है। तो इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अगर कहा जाए कि कांग्रेस ने इतना तो जरूर कहा है कि हमें तेजस्वी से या फिर महागठबंधन से कोई आपत्ति नहीं है, हम लड़ेंगे तो ये तय है कि हम लड़ेंगे साथ में, लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो सबसे बड़ा कारण बनकर के सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि जब राजनीति में जिसको मौका जहां मिलता है, जो जितना मजबूत होता है, कई घटनाएं हमारे सामने हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने प्रश्न खड़े कर दिए हैं, और वो भी उस समय जबकि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और नीतीश को टक्कर देने की पूरी तैयारी हो रही है, भाजपा को टक्कर देने की तैयारी हो रही है, तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है। क्यों आपको लगता है महागठबंधन, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं? परिस्थितियां वही बता रहे हैं कि परिस्थितियां जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ, उस समय मजबूत थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की मंशा सिर्फ अधिक से अधिक सीटें जीतनी थी और इसलिए उन्होंने डोमिनेट किया। अब तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो सीएम पद के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने खुद कहा भी है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास अब निश्चित रूप से जो किंग पिन जो है उनके पास आ गई, मास्टर चाबी उनके पास आ गई है, और कांग्रेस इसीलिए ये बात कह रही है कि तब तय होगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो तेजस्वी के राह को रोके। जैसा कि हमने बताया नमन जी कि कांग्रेस जो है एक बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस ने कई ऐसे बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से जो इस बात को तस्दीक करता है कि कांग्रेस का कहना यह है कि हम साथ तो चुनाव लड़ेंगे 2020 में, चूंकि एक तरह से महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत हो रहा है और कांग्रेस की इसमें अहमियत और अहम रोल भी है, बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो सदानंद सिंह से आप अगर शुरू करते हैं, कौकब कादरी तक आते हैं, और उसके बाद यदि प्रवक्ता राजेश राठौर की भी बात करें, प्रेमचंद तो सबको लगातार सभी ने कहीं ना कभी ये बात जरूर रिपीट की है कि हम जरूर महागठबंधन में हैं, मगर सीएम तेजस्वी यादव होंगे ये फैसला दिल्ली हाई कमान तय करेगी, यहाँ पटना में ये तय नहीं होगा, रांची में ये तय नहीं होगा, हम किसी भी रांची और पटना के निर्देश को नहीं मानते, हम दिल्ली के निर्देश को मानते हैं। और यही बात आज राजेश राठौर ने भी कंफर्म कर दी है, ये साबित करता है कि भले ही लाख खुशियाँ हों मगर एक जो गम है वो तेजस्वी यादव के लिए ये है कि कांग्रेस अभी तैयार नहीं है, और ये बड़ी बात होगी अगर कांग्रेस तैयार नहीं है। कल के समय में सबसे ज्यादा सीटें अगर लड़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं राजद के बाद सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन में कांग्रेस ही लड़ेगी, और कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी तो जीत के भी आएगी, और कहीं ना कहीं उसे समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी राजद को, और उस परिस्थिति में राजद को अगर समर्थन करते समय वो शर्त रख देती है कि नहीं सीएम हमारा होगा, तो ये बड़ा बहुत सही बात बाबा ने बोली, बहुत सही मुद्दा बाबा ने उठाया। पहला मुद्दा तो बाबा बिल्कुल आपका एकदम टू द पॉइंट है, वाकई हमारे दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा होगी सामने होगी, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन चाहिए और इसके बिना बनेगी नहीं सरकार, जिस तरह से सीटें लेकर आएगी कांग्रेस या सीटें लड़ने जा रहे हैं ये लोग। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या होगा बाबा? नमन जी दूसरा मुद्दा जो है वो नीतीश कुमार का है, और नीतीश कुमार सबसे जो प्रबल विरोधी तेजस्वी यादव के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा के रूप में खड़ा है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कर रही है और कह रही है कि सीट ही खाली नहीं है, जो वैकेंसी ही नहीं है मुख्यमंत्री पद की, तो फिर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार कैसे हो सकता है, कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। और इस पर मुहर कहीं ना कहीं आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से भी लग रहा है, और नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बात को लेकर के डिटरमाइंड लग रहे हैं कि वो अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे एन केन प्रकारे ना, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है, और रणनीति जिस तरह की नजर आ रही है उस रणनीति में एक तरफ आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं आरसीपी सिंह हैं जो बूथ लेवल पर सारा तैयारी कर रहे हैं, और तीसरा केसी त्यागी दिल्ली में बैठ करके और बयान पर बयान दे रहे हैं। देखिए बाबा का जो सारा है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बाबा का इशारा ये है कि भले ही बीच में खबरें आ रही थी कि भाजपा के संपर्क में तेजस्वी यादव, तो आप ये भी मत भूलने का प्रयास कीजिएगा रघुवंश के प्रसाद के बयान को याद कीजिए, सदानंद सिंह के बयान को याद कीजिए, उन नेताओं के बयान को याद कीजिए जो कांग्रेस के हैं मगर कहीं ना कहीं नीतीश जी को अपना नेता मानने की बात बार बार करते हैं। आप अशोक चौधरी की बात को देखिए, अशोक चौधरी के साथ कांग्रेस का जो पूरा कुनबा उठ कर गया था उसे देखिए। अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन से अलग हटकर भाजपा के साथ अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं तो नीतीश ने भी महागठबंधन में सेंधमारी लगातार जारी रखी हुई है। आप देख सकते हैं पूर्व में
महागठबंधन क्या राजद के बड़े नेताओं के साथ भी वो कहीं ना कहीं दिखे हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ खड़े रहना या फिर इनकी पार्टी में सेंधमारी करके इनके बड़े नेताओं को अपने पास साथ कर लेना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि आने वाले समय में अगर तेजस्वी महागठबंधन झटका देंगे तो महागठबंधन के पास एक चेहरा हो सकता है नीतीश के तौर पर जी। यही बाबा का कहना है, और इस वजह से झटका लग सकता है तेजस्वी यादव को। ये भी एक समीकरण है जो अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की थी, और इस समीकरण की वजह से भी तेजस्वी यादव को इस कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। और नमन जी, नो वैकेंसी कहने के पीछे बहुत सारा कारण, जिसमें एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को अपने पास रखने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए उस समय तैयार नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बड़े फैक्टर समीकरण बनाकर रोक सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा फैक्टर की तरफ। तीसरा मुद्दा क्या है बाबा? तीसरा मुद्दा आप जानते ही हैं कि लगातार तेजस्वी यादव को कभी ये कहने वाले कि आप मेरे मुख्यमंत्री हैं जी। और कभी ये कहते हैं कि अभी तो तय ही नहीं कि तेजस्वी यादव कौन है, कभी बच्चा कह देते हैं, कभी कहते हैं कि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं, और उनकी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ चुका है जी। कि ये राजद का फैसला हो सकता है लेकिन महागठबंधन का फैसला नहीं है, और आप जानते हैं कि अपनी शर्तों पर और अपनी बातों को रखने के लिए जीतन राम मांझी किस तरह से जाने जाते हैं। दानिश रिजवान ने भी उनके जो प्रवक्ता हैं बात करते हुए स्पष्टता से मेरे सामने ये बात रखी थी कि हम महागठबंधन में उस समय भी नहीं थे और अभी भी नहीं है, हम तब तक महागठबंधन में नहीं है जब तक कि हमारे शर्तों पर एक डेलीगेशन नहीं बनेगा जो कि समन्वय का काम करेगा महागठबंधन में। और जब मैंने उनसे पूछा था कि आपका सीएम का कैंडिडेट होगा तो इन्होंने 7 तौर पर कह दिया था ये तो डिसाइड होगा, ये तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है, ये डिसाइड तब होगा जब हम चुनावी चर्चा के दौरान बैठेंगे और ये तय करेंगे कि हमारा कॉमन नेता कौन होगा जी। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा पॉइंट हो सकता है, माझी फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि माझी जी चुनाव लड़के देख चुके हैं, माझी जी को माझी जी की अपनी हैसियत चाहे राजनीतिक रूप से जो भी हो, चुनाव हरवा दिए थे राजद को, जो भी उनकी हैसियत हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और कुछ करें चाहे नहीं करें जोरन का काम जरूर करेंगे। तो भैया एक बात आप समझ लीजिए, जीतन राम मांझी भले ही आपको जिता ना सके मगर हरवाने का मादा रखते हैं, और ये फैक्टर बड़ा होगा। राजद को ये बात समझनी होगी कि जब 4-5 सीटों में वो चुनाव लड़ने जाते हैं उपचुनाव में और एक सीट मांझी उन्हें हरवा देते हैं, तो ऐसे कई सीट है जिन पर मांझी हरवा सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसे तेजस्वी यादव समझना होगा, और तेजस्वी इसे लेकर नहीं चलते साथ में तो कहीं ना कहीं घाटा तो होगा। ये भी बाबा का फैक्ट। अगला मुद्दा, चौथा मुद्दा कौन सा है? वीआईपी का मुद्दा बहुत बड़ा है। वीआईपी आप समझ ही सकते हैं कि एक साल में वीआईपी ने क्या कुछ नहीं किया जी, और वीआईपी हैं भी, वास्तव में वीआईपी हैं। लगातार आपने भी चर्चा की है और लगातार आप बयान लेते रहे हैं, कई इंटरव्यूज में आपने लगातार पूछा है कि आपके मुख्यमंत्री कौन है वीआईपी जी, और छोटू सहनी ने या मुकेश सहनी ने लगातार ये बात कही है कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। लेकिन स्थितियां बदली हैं नमन जी, और स्थितियां बदली है जब खुद तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूं, तब उनके आवाज पर चुप्पी है, जो कि आप देख सकते हैं 3 दिन पहले भी आपने पूछा है उन्होंने सीधे तौर पे चुप्पी साध ली है। मुकेश सहनी की पार्टी में नंबर 2 के पोजीशन पर रहने वाले छोटू सहनी से जब हमने लगातार बात की है पिछले 1.5-2 सालों में, इस दौरान वो लगातार ये बात कहते हैं, जब हमने उनसे सवाल पूछा है कि आपके सीएम कैंडिडेट कौन होंगे, तो उन्होंने बेबाकी से कहा है कि तेजस्वी यादव होंगे। बिल्कुल, मगर परसों उनकी जबान लड़खड़ा रही थी जब हमने उनसे पूछा कि आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये डिसाइड होगा बहुत जल्दी, हम डिसाइड करेंगे। और इसके पीछे परिस्थितियां बदली हैं, कहीं ना कहीं विश्वास जो था तेजस्वी यादव के ऊपर से वो भी टूट गया है मुकेश सहनी का, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी कहा कि तेजस्वी ने धोखा दे दिया है। साफ बात करते हुए जब समन्वय की बात हो रही थी, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उपचुनाव के दौरान, उस समय मुकेश सहनी काफी खपा थे और इसलिए गुस्से में ही वो चुनाव लड़ने गए थे राजद के खिलाफ। और कहीं ना कहीं नमन जी एक बात और है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी और दानिश रिजवान से इन्फ्लुएंस लग रहे हैं, जिस तरह से दोनों एक साथ मिल करके और ये समन्वय समिति की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि राजद कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई बातें हो, क्योंकि राजद तो यह समझ रहा है कि वो बड़ी पार्टी है और जिस तरह से चाहेगा महागठबंधन को लेकर चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहे हैं मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ और जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है, वो ये बात इशारा कर रही है कि वक्त के हिसाब से नीतीश और तेजस्वी में से चुनने की जब बारी आएगी तो पलड़ा किधर झुकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जी। तो बाबा ने आपको बता दिया कि 4 वो महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से तेजस्वी यादव शायद उस लाइन तक, लकीर तक पहुंचते पहुंचते रनआउट हो जाएंगे।
हालांकि ये संभावनाएं हैं, संभावनाएं बिल्कुल बदल सकती हैं राजनीतिक तौर पर, मगर फिलहाल जो परिस्थितियां हमारे सामने, हमने कहा कि जो डेटा जो हमारे सूत्र बताते हैं उनके हिसाब से हम आपको ये कंपाइल करके विश्लेषण देते हैं। अब उस सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, जो मुद्दा फैक्टर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, जिससे आजकल का संक्रमण कहा जाता है राजनीति को हो रहा है, वो मुद्दा लेकर आएंगे। पांचवा मुद्दा बाबा क्या है? नमन जी, इसको हाइपोथेटिकल तो कहा जा सकता है जी, लेकिन जो चर्चा में सबसे अधिक इस देश में मुद्दा है वो मुद्दा है नए नए तरीके से कई एजेंसियों को, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनको प्रभावित करके और अपने पक्ष में फैसला करवाना जी। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब एनडीए की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, तो न्यायालय ने तोता शब्द का यूज किया था जी। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, जैसा कि कहा जा रहा है, वो सीधे तौर पर देख रहा है। आप महाराष्ट्र की बात ले लें या अन्य राज्यों की बात ले लें, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो जरूर है कि वो केस मुकदमा वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा प्रभावी मुद्दा हो सकता है। सारे देश के जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, ये एकजुट एक जगह पर आकर ये बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनकी स्वायत्तता कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा डर और भय का वातावरण बनाया जा सकता है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा अगर अभी कोई चीज डैमेज कर रही है तो वो है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की चल रही जांच। उनके पिता भी इस दायरे में फंस चुके हैं, आज वो जेल में हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आने का प्रयास कर रहे हैं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, वो कितना कारगर हो तो समय बताएगा, मगर फिलहाल परिस्थितियां ये हैं कि राजद की कमान जरूर उनके हाथ में है, मगर राजद चला तेजस्वी यादव रहे हैं जी। और एक बड़ी बात है ये कि लालू परिवार में अगर तेज प्रताप यादव को छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर भी केसेस हैं, मगर उनके ऊपर राजनीतिक केसेस नहीं है, घोटालों के केसेस नहीं है, मगर ये केसेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी समेत उनके पिता पर भी है, और इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीच में कई बार जाकर उन्हें खुद बयान देना पड़ता है, अपना बयान रिकॉर्ड कराना पड़ता है सीबीआई को, कभी ईडी को, कभी अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं उनको। और नमन जी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इसी कारणों से गई थी। नीतीश कुमार जी ने अंतरात्मा की बात की थी और उन्हें ये बात कहा था कि आप जेल जा सकते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो स्थितियां और जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं वो पैदा हो सकती हैं तब जब चुनाव के परिणाम आवे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर परिस्थितियां इनके फेवर में हो तो कहीं ना कहीं इसे अपने फेवर में किया जा सकता है। ये हाइपोथेटिकल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार जो विपक्ष के नेता है और राजनीतिक जो माहौल बना है, परिदृश्य जो नजर आ रहा है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है हमारा और ये प्रश्न भी है। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस पांचवें मुद्दे पर भी एक और बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए कि पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर है जी, मगर क्या उन्होंने भाजपा के खिलाफ कोई बात कही है? बहुत कम। भाजपा किसी भी मुद्दे के खिलाफ उन्होंने खुलकर बहुत विरोध नहीं किया है। हाँ, कुछ मुद्दों पर खानापूर्ति जरूर की गई है, विरोध भी किया सवर्ण आरक्षण का, उसके अलावा कई मुद्दों पर विरोध किया राजद ने, मगर तेजस्वी यादव ने खुलकर बहुत भाजपा के खिलाफ बातें नहीं बोली है। और यहाँ तक कि उनके नेता ये भी कहते हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें भी लालू यादव की बगल वाली जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि भाजपा के एक नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने मंच से ही कह दिया था कि जो हमारे खिलाफ जाएगा वो जेल में चला जाएगा। बिल्कुल, ऐसे बयान बीच बीच में आते रहे हैं, जिनकी वजह से ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। भाजपा अगर चाहे तो अपने हिसाब से परिस्थितियां बना सकती है, उसने कई राज्यों में ये बातें प्रूव भी की हैं, और अगर आपके उनके साथ दोस्ती है तब तो बल्ले बल्ले, अगर दोस्ती नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता पहले से ही छोटा कर दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी नमन जी कि 2020 का चुनाव बहुत कुछ लेकर के आने वाला और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा नया देगा जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि बिहार हमेशा से राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत रहा है और जैसा कि आपने शुरू में ही बताया था कि ये उर्वरक धरती है जहाँ से राजनीति पैदा होता है। खपत तो होती ही है लेकिन पैदा तो उतना ही होता है, और यही कारण है कि लगातार हम सीरीज के रूप में लेकर के आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होना है और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि जनता को ये जानना जरूरी है जिन्हें वोट देना है जी।
हम इसीलिए इस तरह के सीरीज को लेकर कह रहे हैं और बिहार की राजनीति से अंदर चलिए। तो आपको अगर ये रातों रात की हमारी श्रृंखला पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन सुबह 7 बजे आपको पूरे दिन का, पूरे बीते दिन का निचोड़ मिल जाए और आने वाले दिन की राजनीतिक फलसफा आपको बैठे बैठे मिल जाए। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वो जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिएगा, तो जहाँ रहिएगा वहीं खबरें आपको प्राप्त हो जाया करेंगी। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस विश्लेषण में कोई कमी है या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।